दोस्तों, युवाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीकर और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कथावाचक जया किशोरी जी आज लोगों की सबसे पॉपुलर कथावाचक बन चुकी हैं। जया किशोरी कोई साधु संत नहीं है, बल्कि एक सामान्य महिला के रूप में भक्तों को कथा सुनाती है और सनातन धर्म की महिमा को सभी को समझाती हैं। वहीं बहुत कम उम्र में ही जया किशोरी ने धर्म और कथा वाचन का रास्ता अपना लिया। वैसे इन दिनों जया किशोरी का नाम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जोड़ा जा रहा है। कई न्यूज और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हालांकि अफवाहों को लेकर अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन्हीं अफवाहों और दावों का कारण जया किशोरी बागेश्वर धाम सरकार के साथ चर्चा में आते रहते हैं। दोस्तों, आज वह एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। उनके भजन और उनकी कथाएं सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। यूट्यूब पर उनके गाए हुए भजन आपको आसानी से मिल जाएंगे। मुख पर तेज और वाणी में मधुरता लिए जया किशोरी आज की नई पीढ़ी के लिए आदर्श के रूप में है। वहीं जया किशोरी जी राजस्थान के गाँव सुजानगढ़ से संबंध रखती हैं और वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार गौड़ ब्राह्मण समुदाय से आता है। कहा जाता है कि जब वह पैदा हुई थी तब कुंडली देखने वाले ज्योतिष ने दिन के ग्रह नक्षत्रों को देखकर बताया था कि चंद्रवंश में जन्मी यह बालिका बहुत भाग्यशाली है और वह दुनिया भर में प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ था। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक कथावाचक के रूप में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त की। कथावाचक के साथ साथ उन्होंने अपनी शिक्षा भी जारी रखी। आज वह बीकॉम से ग्रेजुएट भी है। जया जी के परिवार में उनके माता पिता, बहन और दादा दादी, नाना नानी सभी हैं। जया किशोरी पर उनके परिवार को बेहद गर्व है। जया जी के गुरु गोविंद राम मिश्र जी ने प्रभावित होकर जया शर्मा को किशोरी की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका उनके परिवार और माता पिता की होती है। वहीं जया किशोरी जी पर अपने घर और परिवार के भक्तिमय माहौल का विशेष प्रभाव पड़ा। दोस्तों, जया किशोरी का परिवार शुरू से ही भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला परिवार था। मात्र 6 वर्ष की उम्र से ही जया किशोरी ने जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा विधि सीख ली थी और हर जन्माष्टमी वह कृष्ण जी के लिए विशेष पूजा किया करती थी। वहीं दोस्तों, जब 10 साल की थी जया तो उन्होंने सुंदर कांड गाकर लाखों भक्तों के मन में अपने लिए खास जगह बनाई। किशोरी जी को आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है। कृष्ण भक्ति में लीन जया किशोरी अनमैरिड है। उनका कहना है कि वह अपना जीवन भगवान को समर्पित कर चुकी है और वह सदैव अपने माता पिता के साथ रहना चाहेंगी। अगर उनका विवाह हुआ तो वह अपने माता पिता को अपने साथ रखेंगी। जया किशोरी जी को खाटू श्याम जी पर अटूट विश्वास है। वह हर साल उनके दर्शन करने जाती हैं। जया किशोरी जी जब भी वचन गाती हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वह कृष्ण भक्ति में अधिक लीन होती हैं। दोस्तों, जया किशोरी जी को अपने कथा वाचन और समाज सेवा के लिए कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। साल 2016 में जया किशोरी जी को आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकॉन से सम्मानित करके युवाओं का रोल मॉडल बताया गया। वहीं साल 2021 में जया किशोरी जी ने मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त किया। अपनी कथा के दौरान जया किशोरी जी भक्तों को कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो उनके आम जीवन को बेहद सरल कर देने वाले होते हैं। वह अपने आदर्श विचारों से सदैव सभी को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, जया किशोरी कहती हैं कि आधे रास्ते से वापस आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि वही आधा रास्ता सोचकर आप मंजिल की ओर बढ़ जाएं। और छोटा सा जीवन है जो अगले ही पल समाप्त होने वाला है, इसीलिए हर एक पल को खुशी से जियो। कल तो किसी ने नहीं देखा, इसलिए वर्तमान में रहो। और यह लोग क्या सोचेंगे, वह लोग क्या सोचेंगे, अगर आप इससे ऊपर उठकर कुछ सोचेंगे तो सुकून प्राप्त कर लेंगे। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जया किशोरी जी कथा वाचन के लिए तकरीबन 9,50,000 रूपए लेती हैं। तो दोस्तों, आपकी जया किशोरी जी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।